इस समय तेजी से बदल रहे मौसम में यदि हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो बीमार होकर परेशान होंगे। लिहाजा आहार विहार पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। घर में उपलब्ध चीजों से ही हम इस मौसम में खुद को स्वस्थ और तरोताजा रख सकते हैं। आयुर्वेदाचार्य ने बताया कि ये काल शक्ति संचय और रोग मुक्ति का काल है। सूरज की गर्म किरणों के प्रभाव से शरीर में संचित पित्त शरद ऋतु में अपना प्रभाव दिखाने लगता है। रक्त भी इससे दूषित हो जाता है। ऐसे स्थिति में आहार विहार संबंधी नियमों का पालन आरोग्य लाभ के लिए अति आवश्यक है। तो आपने महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कि क्योंकि हमारी इस समय बहुत ही आपाधापी वाली जिंदगी है, बहुत ही हम लोग अस्त व्यस्त जीवन जी रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम अपने भोजन के समय को सही रखेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, क्योंकि भोजन पे ही हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो हम लोगों को सुबह समय से उठ जाना चाहिए, हालांकि बहुत ठंड है, लेकिन फिर भी हम लोग अगर सही समय पर उठते हैं तो सुबह गुनगुने पानी का सेवन 1 से 2 गिलास हम लोग जरूर करें खाली पेट, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि दिनांते पीड़ित द्वारी, दिन के अंत में यानी कि सुबह के समय हमें जो है पानी का सेवन करना चाहिए, और रात को हमें जो है दूध का सेवन सर्दियों में जरूर करना चाहिए। इसके अलावा सही समय पर नाश्ता करें, और नाश्ते में भी कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग बहुत ज्यादा हैवी नाश्ता ना करके आजकल जैसे बथुआ, मेथी, हरा प्याज है, इनके पराठे अगर हम खाना चाहें तो ये खा सकते हैं, क्योंकि ये पाचन के लिए भी बहुत अच्छे हैं और हमारे शरीर को एक पर्याप्त ऊर्जा भी देते हैं।